अनुरोध करिया पई चाहिबी श्री सतीश मराठी जी को, जो कि डायरेक्टर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। श्री मराठी सर, प्लीज आइए, आपका वक्तव्य रखे यहाँ पे। आदरणीय कैलाश जी चौधरी, सम्माननीय मंच और उपस्थित बहनों और भाइयों, विश्व की सबसे बड़ी कोऑपरेटिव मूवमेंट भारत में है। एक अनुमान लगाते हैं कि लगभग 8.5 लाख कोऑपरेटिव्स आर रजिस्टर्ड इन द कंट्री, और उसकी टोटल मेंबरशिप अगेन एस्टिमेट है इट इज प्लस 30 करोड़। भारत की कोऑपरेटिव के बारे में और भी एक विशेषता है कि हमारी कोऑपरेटिव्स देश के 100% विलेजेस को कवर करती है। एक सर्वे में ऐसा भी बताया, जानकारी प्राप्त हुई है कि 75% रूरल हाउसहोल्ड्स ये कोऑपरेटिव से जुड़े हुए हैं। और ये सब देखते हुए मैं केंद्र सरकार का विशेष अभिनंदन करता हूं। देश में लगभग 700 डिस्ट्रिक्ट्स होते हुए भी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स की संख्या केवल 350 है, मैं राउंड फिगर्स बता रहा हूं, जबकि जिलों की संख्या लगभग 700-750 है। तो ग्रामीण इलाकों में यदि समृद्धि लाना हो तो सहकारिता के सिवाय दूसरा कोई इंस्टीट्यूशनल नेटवर्क अपने पास आज है नहीं, और उसी को स्ट्रेंथन करने की बात केंद्र सरकार ने सभी राज्यों से की है। और मुझे खुशी है कि बहुत सारे राज्यों ने जो प्राइमरी एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटीज को मल्टीपर्पज़ बनाने की बायलॉज बनाए हैं, उन्होंने इन प्रिंसिपल उसे एक्सेप्ट किया है, और जल्द ही अपने देश में हमारी प्राइमरी एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटीज ये मल्टीपर्पज़ होकर बहुत अच्छा काम करेगी। आज एक अनुमान माना जाता है कि हर साल लिमिटेड नंबर प्राइमरी एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटीज और डीसीसीज की संख्या होते हुए भी लगभग 2 लाख करोड़ रुपया ग्रामीण इलाकों में हर साल शॉर्ट टर्म क्रेडिट के रूप में दिया जाता है। इसकी आवश्यकता बहुत बड़ी है, बट इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क न होने के कारण जितना फंड्स का फ्लो, इन्वेस्टमेंट का फ्लो ग्रामीण इलाकों में होने की जरूरत है उतना हो नहीं रहा है। और इसी दृष्टि से प्राइमरी एग्रीकल्चरल संस्थाएं हरेक ग्राम पंचायत तक पहुंचे, ऐसा एक प्रपोजल सामने आया है जिसे भी ब्रॉडली सभी प्रदेशों से स्वीकृति मिली है, ऐसी मेरी जानकारी है। तो आने वाले 3-4 वर्षों में हमारे सब ग्राम पंचायतों तक पैक्स का निर्माण हो जाएगा, और हम इमेजिन कर सकते हैं कि 2 लाख करोड़ हर साल जो शॉर्ट टर्म क्रेडिट के रूप में केवल आज 40-45 हज़ार पैक्स के माध्यम से जाता है, वो यदि उसकी संख्या 2-2.5 लाख बन जाती है तो कम से कम 10 लाख करोड़ रुपया हर साल कैपिटल फंड्स के रूप में और वर्किंग कैपिटल के रूप में ग्रामीण इलाकों में जाएगा। इट विल बी ए बिग बूस्टर, और ग्रामीण इलाकों का विकास भी होगा। बहुत पहले, लगभग 20 साल पहले का पुराना नाबार्ड का रिपोर्ट है जिसमें उन्होंने कहा था कि सोशल कैपिटल फॉर्मेशन देश में सबसे ज़्यादा अपने यहाँ कोऑपरेटिव्स के माध्यम से ही हुआ है, और मैं विश्वास करता हूँ कि आने वाले 3-4 सालों में जब ये नई संस्थाएं खुलेगी, नए क्रेडिट फ्लो ग्रामीण इलाकों में होगा, तो मैसिव ग्रोथ होगा, ग्रामीण इलाकों में इनकम लेवल सभी के बढ़ेंगे। और ये करते समय एक विशेष हम सब लोगों को ध्यान में रखने की आवश्यकता है
कि जैसे हम एग्रीकल्चरल सेक्टर की बात करते हैं तो ग्रोथ और डबलिंग ऑफ फार्मर्स इनकम, इसको बूस्ट देने के लिए एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी और फिशरीज, ये तीनों का बहुत बड़ा रोल होने वाला है। मैं आर्गस को विनती करूंगा कि अगले बार जब आप ऐसा कोई कार्यक्रम करते हैं तो उड़ीसा को बहुत बड़ा कोस्टल बे है और वाटर बॉडीज भी उड़ीसा में बहुत बड़ी बड़ी संख्या में हैं, तो फिशरीज कोऑपरेटिव्स को भी जोड़ना चाहिए। यहाँ डेयरी का ग्रोथ जितना होना चाहिए उतना उड़ीसा में हुआ नहीं है, तो उसके विकास के दृष्टि से भी आवश्यकता है। पूरे देश में डेयरी का सेक्टर का ग्रोथ विशेष करके वेस्टर्न इंडिया में हुआ है, यानी पूरे आप हम हरियाणा पंजाब से लेते हैं तो राइट अप टू केरला, इस वेस्टर्न बेल्ट पे हुआ है। मध्य और ईस्टर्न बेल्ट इसमें ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है, और उड़ीसा हैज़ ए ह्यूज पोटेंशियल, तो उस दृष्टि से उसका भी विचार करना चाहिए। मेरा निवेदन मैं पूर्ण करने के पहले कुछ फिगर्स जो मैं इंटरनेट पे ले पाया वो उड़ीसा के बारे में मैं आप सबके सामने रखना चाहूँगा कि उड़ीसा स्टेट में 30 जिले हैं बट देर आर ओनली 17 डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स, और अपने प्रदेश में उड़ीसा में लगभग 51,000 51,000 विलेजेस हैं, जबकि पैक्स की संख्या केवल 2,700 हैं। इट ऑलमोस्ट अमाउंट्स टू वन पैक्स, एक ग्रामीण विकास संस्था 20-22 गांवों को कभी ना कभी ये करती है। और मैं इसलिए ये बोल रहा था विशेष करके कि जब उड़ीसा की लोक संख्या में देखता हूँ लगभग 4.5 करोड़ की, तो उसमें से लगभग 83% रूरल पॉपुलेशन है, तो इसको ध्यान में रखते हुए हम सब लोगों को ग्रामीण विकास का माध्यम ही उड़ीसा का विकास का माध्यम बनेगा, और उसी दृष्टि से कृषि और एलाइड एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ को बढ़ावा देने के लिए सहकारिता, ये सबसे बड़ा उसका लाभ होगा। मैं केंद्र सरकार और राज्य सरकारों से निवेदन भी मैं करना चाहता हूँ सहकार भारती की ओर से, कि हमारे यहाँ जिस पद्धति से एफपीओ को बढ़ावा देने के लिए एक फाइनेंशियल प्रोविजन किया गया, बजटरी प्रोविजन किया गया, उसी प्रकार देश में और विशेष करके जिन राज्यों में पैक्स की संख्या कम है, ऐसी संस्थाओं के निर्माण के लिए उनको फाइनेंशियल सपोर्ट भी दिया जाए, तो उसका बहुत बड़ा लाभ होगा। धन्यवाद।